दोस्तों ये वीडियो एक 7 साल के बच्चे की है जिसकी एनुअल इनकम 155 करोड़ है। अब 155 करोड़ आप सुन रहे होगे तो सोचोगे कि पुराना चैनल होगा, बच्चा ही थोड़ी होगा, कुछ नई नई चीज़ें होंगी। ये सिर्फ एक बच्चे के ऊपर है, वो खेलता है वीडियो में। मैंने देखी क्यूरियोसिटी में कि क्या है इसमें ऐसा, तो मैंने उसमें पाया कि ये खुद आता है, खेलता कूदता है, खिलौने निकालता है, खाना इधर उधर, फूड रिव्यू और टॉय रिव्यू करता है। और इतने से ही उसके 17 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। और ज़्यादातर या मैक्सिमम ज़्यादातर क्या, अब कोई बड़ा तो देखना नहीं चाहेगा, या फिर कुछ लोग देखते हैं इनको बच्चे पसंद होते हैं, या फिर कुछ लोग अपने बच्चों के लिए देखते हैं। तो मैक्सिमम का टारगेट वो छोटे छोटे बच्चे ही हैं जो देखते हैं और देखना पसंद करते हैं, और या तो वो पेरेंट्स जो दिखाते हैं अपने बच्चों को। और उस वजह से इसके सब्सक्राइबर्स इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि इसकी वीडियोज़ इतना ज़्यादा अर्न कर पा रही हैं। फोर्स मैगजीन के अकॉर्डिंग जो हमारे यूट्यूबर्स हैं वो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ से भी ज़्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं। तो यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन चुका है। एग्जाम्पल के तौर पर ये लड़का रेयान, जो कि सिर्फ 7 साल का है और इतनी अच्छी एनुअल इनकम कर रहा है, तो हो सकता है आगे भी इसकी इनकम बढ़े घटे पता नहीं। ये 2017-18 की इनकम थी, मतलब चैनल 2015 का, और इनकम इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा है तो फिर आगे तो और बढ़ सकती है। बस यही था वीडियो में। बाकी लोग इससे इंस्पायर भी हो सकते हैं, डिमोटिवेट भी हो सकते हैं। डिमोटिवेट इस तरीके से कि इतनी जल्दी इतना ज़्यादा ग्रोथ, मतलब 2015 में खोला और 17-18 में 155 करोड़। तो इंस्पायर इसलिए कि अगर इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है किसी की, तो हमारी भी हो सकती है। तो इंस्पिरेशन वो ज़्यादा सही रहेगा, डिमोटिवेट होने से कोई फ़ायदा नहीं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कोई सवाल सुझाव तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। बाय।